स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। आज मेरे पास एक पेपर है जो मैंने बनाया है, और इस पेपर में मैंने फिजिक्स के वो प्रश्न रखे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार आ सकते हैं। तो क्लास 12th की फिजिक्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको चलिए पढ़ देख लेते हैं क्या है। और मैं इनको लास्ट से आपको बता रहा हूँ, अंतिम यूनिट से। तो पहला जो आपका लास्ट का शुरुआत से, मतलब लास्ट से बता रहा हूँ, और उसका जो पहला टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी संचार व्यवस्था। तो संचार व्यवस्था के जो टॉपिक जो आपको पढ़ के जाने हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि इन सब टॉपिक को आप एक बार जरूर देखे जाइएगा। आपको इसमें से ही संभावित है कि पेपर पूरा मिले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कोई भी टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ उसको इग्नोर करके मत जाइएगा, ठीक है। तो पहला देखिए, संचार व्यवस्था के अवयव पढ़ लीजिएगा, इसके क्या क्या पार्ट हैं। उसके बाद आकाश तरंग संचरण क्या होता है, उसके बाद मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, फिर एंटीना और परास, ट्रांसड्यूसर, ये ट्रांसड्यूसर, एंटीना परास, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, आकाश तरंग संचरण, संचार व्यवस्था के अवयव, ये जो है इतने टॉपिक आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर गेट में आइए, लॉजिक गेट में। तो लॉजिक गेट में आपको जो मेन चीज़ आपको पढ़नी है, एंड और, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉट गेट, इनकी आपको सत्यता सारणी यानी सत्य सारणी पढ़नी है, और इनका सिंबल पढ़ना है कि जैसे एंड गेट होता है तो उसका सिंबल क्या होता है। सिंपल, बस आपको इतना पढ़ना है कि उसका सिंपल कि कैसे उसका डायग्राम बनाते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये टॉपिक आप पढ़ के जरूर जाइएगा, ये आपका गेट का और कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार व्यवस्था का हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं, फिर हम लोग आते हैं अर्धचालक की ओर। तो अर्धचालक का वो टॉपिक जो आपको पढ़ के जाना है, देखिए हर बार इसी में से पेपर आता है, तो मैंने बहुत इस पर रिसर्च किया है अच्छे से, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कृपया इन टॉपिक को आप इग्नोर करके ना जाइएगा, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, मतलब उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के लिए निवेशी और निर्गत IV ग्राफ, यानी करंट वोल्टेज ग्राफ। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इनपुट मतलब निवेशी और निर्गत परिपथ के लिए I यानी करंट वोल्टेज ग्राफ, और कब, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर मतलब उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की वर्किंग और डायग्राम बनाइए। फिर अगला क्वेश्चन है अर्ध तरंग दृष्टिकरण और पूर्ण तरंग दृष्टिकरण क्या होता है, और इसको अच्छे से डायग्राम बना के समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है कि पोटेंशियल बैरियर यानी विभव प्राचीर और अक्षय परत, ये दो चीज़ आपको पढ़ के जाना है डायोड में। उसके बाद डायोड के तीन टाइप हैं, तो आपको पढ़ के जाना है जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। फिर आपको LED लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक जो उत्सर्जक डायोड है उसको पढ़ के जाना है, फोटो डायोड पढ़ के जाना है, सोलर सेल क्या होती है, बस आपको इस ये पढ़ के जाना है कि बेसिक ये होते क्या है, आपको बहुत उसकी वर्किंग में नहीं जाना है। बेसिक आप ये पढ़ के जाइएगा कि जैसे आपके एग्जाम में आ गया कि LED का फुल फॉर्म लिखो, अब आपने ये टॉपिक देखा ही नहीं, तो ऐसा करके मत जाइएगा, आप टॉपिक आपके मैक्सिमम कवर होने चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया मेन मेन टॉपिक। तो ये था जो मैं फिर से बता देता हूँ, विभव प्राचीर, उसके बाद अक्षय परत, जीनर डायोड और उसका वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे यूज़ करते हैं, LED, फोटो डायोड, सोलर सेल और एवलांच भंजन। तो ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने ही हैं, ठीक है। उसके बाद करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक अभिलक्षणिक गुण ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, यानी फॉरवर्ड मतलब अग्रभिनति और उत्क्रम अभिनति के लिए आपको करंट वोल्टेज ग्राफ को पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है, देखिए आपसे एग्जाम में एक नंबर में पूछता है कि NPN या PNP ट्रांजिस्टर की सिंबल लिखिए, प्रतीक लिखिए, तो आप NPN या PNP ट्रांजिस्टर का प्रतीक पढ़ के अच्छे से जाइएगा, और NPN ट्रांजिस्टर खासकर इसकी वर्किंग पढ़ लीजिएगा। मैं रिपीट करता हूँ, NPN ट्रांजिस्टर इसकी वर्किंग पढ़ लीजिएगा और इसका सिंबल डायग्राम भी देख लीजिएगा। उसके बाद बैंड एनर्जी
बैंड एनर्जी थ्योरम क्या होती है, और ये आपको इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और यानी अर्धचालक, कुचालक और चालक, चालक, अर्धचालक और कुचालक, इन तीनों के लिए आपको बैंड एनर्जी थ्योरम पढ़ के जानी है। उसके बाद जब आप पढ़ते हैं इसको, क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा एक टर्म आता है, ये अल्फा बीटा क्या है सुनिए, जब हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं तो दो तरीके से यूज़ करते हैं, एक उभयनिष्ठ आधार में और एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक में। तो इसमें एक अल्फा और बीटा टर्म आता है जिसको बोलते हैं धारा लाभ। तो इनके धारा लाभ अल्फा और बीटा में क्या संबंध होता है, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद अगला टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एन बराबर एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी, यानी एन शेष मात्रा, एन नॉट प्रारंभिक मात्रा, ई चरघातांक की पावर माइनस लैम्डा टी, यानी एन बराबर एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो इसका आपको डेरिवेशन पढ़ के जाना है कि इसका निगमन कैसे किया जाएगा, कहाँ पे है ये, रेडियो एक्टिविटी में है। तो रेडियो एक्टिविटी में एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इसका आप निगमन पढ़ के जाइएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है कि कुछ टर्म है जैसे माध्य आयु क्या होती है या औसत आयु क्या होती है, उसके बाद अर्धायु क्या होती है, उसके बाद डिकी कांस्टेंट यानी क्षय नीतांक क्या होता है, इनमें आपस में क्या संबंध है, इसे आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए एक समीकरण है एन बराबर एन नॉट, एन बराबर एन नॉट 1/2 की घात एन, एन शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा 1/2 की घात एन, और एन है अर्धायु की संख्या, इस समीकरण को आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद किसी नाभिक की त्रिज्या उसके भार यानी कि द्रव्यमान संख्या बोल लीजिए पर कैसे निर्भर करता है, यानी नाभिक की त्रिज्या की निर्भरता द्रव्यमान संख्या पर, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद जो अगले टॉपिक है वो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल टॉपिक है, अल्फा बीटा और गामा क्षय क्या होता है और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। और इनके निकलने से किसी नए बनने वाले नाभिक की स्थिति प्रारंभिक नाभिक की स्थिति में किस तरह से परिवर्तित होती है, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद कि जब बीटा डिकी होता है तो देखिए बीटा भी इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल में अंतर लिखने के लिए आपके यहाँ आता है, तो उसको पढ़ के जाइएगा। फिर एक क्यूरी और एक रदरफोर्ड क्या होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर अगला टॉपिक है आप सिद्ध कीजिए कि किसी नाभिक की सिद्ध कीजिए कि किसी नाभिक की जो घनत्व होता है, नाभिक का जो घनत्व होता है डेंसिटी, वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो सिद्ध करो कि नाभिक का घनत्व नियत होता है, ये आपको सिद्ध करके जाना है। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल है, थॉमसन का मॉडल है और बोर्स मॉडल है। तो इस मॉडल को देखिए सब लोग पढ़ के जाते हैं, बेसिकली जो इसमें सब में मेन है वो बोर का मॉडल है, सब इसे पढ़ के जाते हैं। तो जहाँ गलतियाँ होती हैं वो सुन लीजिए, आपको इन सभी मॉडल को एक बार देख के जाना है, जो कि नॉर्मल अधिकतर बच्चे पढ़ के जाते हैं। आप क्या खास है जो इसको जरूर जाएंगे देखकर, इन तीनों मॉडल में क्या कमी है, किन कमियों की वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया, यानी रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल और बोर मॉडल की जो कमियां हैं उनको आपको पढ़ के जाना है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है कि बोर का मॉडल क्या होता है, ये तो आपको पढ़ना ही है, खासकर इसी कमी क्या है ये पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी किसी नाभिक की ओर अगर अल्फा कण भेजा जाए तो वह उसके ऊपर कितना अधिकतम पास जा सकता है, तो इस पर आपका एक दो सवाल बनता है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब मैं जो फॉर्मूला बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे से तो एक सवाल आपको मिलना ही है, और इस पे से कभी ऐसा सवाल मिस हुआ हो ऐसा कभी हुआ नहीं है। और ये टॉपिक क्या है सुन लीजिए, किसी किसी इमिशन स्पेक्ट्रम में यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है कुल ऊर्जा बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फॉर्मूले पर हर साल एक दो सवाल जरूर आता है, तो इस फॉर्मूले को आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी एक दो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर इसमें पांच लाइंस आती हैं, पांच रेखाएं आती हैं, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, तो आप इनकी सबसे छोटी और सबसे
बड़ी तरंग दैर्ध्य पढ़ के जरूर जाइएगा। उसके बाद अगला फॉर्मूला जो हम लोग को मिलता है वो ये है कि किसी नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए वेग और उसकी क्रम संख्या, यानी इससे कौन सी सेल में है वो, उसकी कक्षा की संख्या और सेल नंबर जिसको बोलते हैं, और उसके वेग और रेडियस और यानी आर और एन और वी और एन यानी वेग और कक्ष संख्या और त्रिज्या और कक्ष संख्या, इसके बीच में क्या रिलेशन है, इसको आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कि क्या होता है उत्तेजक विभव और क्या होता है आयनन ऊर्जा, ये दो टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद एक ग्राफ है आपके यहाँ कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या के बीच कैसा ग्राफ बनाते हैं या कैसा बनता है, तो आपको देख के जाना है। फिर किसी अभिक्रिया की क्यू मान क्या होता है, किसी अभिक्रिया का मान या किसी अभिक्रिया में क्यू मान क्या होता है, और इसकी कौन से चिन्ह के लिए, क्यू मान के कौन से चिन्ह के लिए ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी या उष्मा छेपी होती है और इसका मान कितना होता है, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर देखिए ये जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ, द्रव्यमान क्षति का बंधन ऊर्जा का सवाल एक जरूर आता है। देखिए किस कोई अभिक्रिया आपको दी रहेगी और आपसे पूछेगा इसमें कितना द्रव्यमान क्षति हो रही है और इससे कितनी बंधन ऊर्जा नाभिक की है, और उसको सॉल्व करते समय दो फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं, एक बंधन ऊर्जा बराबर द्रव्यमान क्षति गुणे सी स्क्वायर। अब इस वक्त द्रव्यमान क्षति किलोग्राम में है और इसका जो मात्रक आएगा बंधन ऊर्जा का वो जूल में आएगा, और अगली बार द्रव्यमान क्षति गुणे 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, यानी मात्रक दोनों बार अलग आएंगे, और इस बार द्रव्यमान क्षति AMU में है यानी एटॉमिक मास यूनिट में है, यानी आपको द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा का सवाल लगा के जाना है इस पर, और इमिशन स्पेक्ट्रम पर, इस पर यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इस पर आपको इस दो में से एक सवाल तो पक्का मिलना है, और इस दोनों पर एक एक सवाल आता है, तो आप कृपया इसको देख के ही जाइएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। मैं वही टॉपिक आपको बता ही रहा हूँ जो आप अगर पढ़ के जाएंगे तो आपको मैक्सिमम चांस है वो मिल जाने का। मैं वो टॉपिक नहीं ले रहा यहाँ पर जिसके आने के चांस कम है, तो कृपया पढ़ के जाइएगा। उसके बाद देखिए दो एकदम सिंपल है, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, नाभिक का टूटना और नाभिक का जुड़ना, तो इसकी कम से कम दो तीन एग्जाम्पल पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्योंकि देखिए कुछ लेसन तो ऐसे हैं जो एक सिंपल सा टॉपिक है और कभी इग्नोर नहीं होता, जैसे अब जैसे ध्यान से सुनिएगा, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य या द्रव्य तरंगे, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य या द्रव्य तरंगे, तो इसका एक सवाल आपको मिलना तय है, या इसका सीधे सिंपल सा जैसे आप पढ़े होंगे डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य बराबर लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, तो ये संवेग के पदों में हुआ, फिर पी की जगह रूट टू एम के अभी गतिज ऊर्जा के पदों में हुआ, फिर रूट थ्री एम के टी अभी ताप के संबंध में हुआ, और 12.25 अपान रूट वी एंगस्ट्रॉम ये इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ। तो आपको कुल मिला के सिंपल बोले अगर तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य वाले लेसन में आप जाइए, उस लेसन में जाकर एकदम छोटा सा लेसन है और उससे आपको एक सवाल जरूर मिलेगा, तो आप करिए क्या कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य वाले लेसन में जाइए और तरंग दैर्ध्य का वोल्टेज से कैसा ग्राफ बनता है पहले तो इसको देख लीजिए, और तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या है संवेग गतिज ऊर्जा और ताप और विभवांतर के पदों में, इसको बस इतना ही है इस लेसन में और कुछ है नहीं। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ऐसा लेसन है जो आपको 3 नंबर डेट शोर देगा ही, ये लेसन आपको देगा, लेकिन आपकी पढ़ाई बहुत सिस्टमेटिक होनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो सुन लीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपको जो चीज़ पढ़नी है वो है कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बदला जाए तो संतृप्त धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बदला जाए तो संतृप्त धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, और संस्तर विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है या निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बदला जाए तो संस्तर विभव और संतृप्त धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको पढ़ के जाना है। और इसमें कुछ टर्म है जैसे कार्यफलन,
और डी ब्रॉगली या जैसे बोलते स्टॉपिंग यानी कि कार्य फलन हो गया। उसके बाद न्यू नाट जिसे देहली आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में, देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्ध्य, इतना आप तो आपको पढ़ के ही जाना है, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, इसमें से आपको एक चीज़ मिल जाएगी। फिर आगे चलते हैं, आइंस्टीन के इक्वेशन से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को समझाना। पहली बात ये कि आइंस्टीन का समीकरण क्या है और फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को आइंस्टीन के समीकरण से समझाना, ये आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, इसी में आपको एक मिल जाएगा। फिर मैलस का नियम क्या है, ब्रिस्टर का नियम क्या है, ये आपको ध्रुवण में मिलेगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ। मैलस का नियम क्या है, ब्रूस्टर का नियम क्या है, ध्रुवण क्या होता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यानी ध्रुवण तल और कंपन तल में क्या अंतर होता है, ठीक है, ये आप पढ़ के जाइएगा। और ये सिद्ध करना आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि अगर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्ण ध्रुवित हो जाए तो परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी आईपी प्रसार बराबर 90 डिग्री। ये एक टर्म आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं टॉपिक बोल भी रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। अब उसके बाद क्रॉस पोलराइड है, एक क्रॉस्ड पोलराइड, ये पढ़ लीजिए ये टर्म कि क्रॉसिड पोलराइड क्या होते हैं। उसके बाद इस पर एक सवाल लगा लीजिएगा कि अगर दो पोलराइड ऐसे रखे हुए हैं और उसके बीच में तीसरा पोलराइड रख दिया गया और उसको घुमाया गया तो कैसे उसके निर्गत प्रकाश की तीव्रता बदलती है, इस पर एक सवाल लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वो सवाल अब अभी मैंने दे रहा हूँ, मैं आपको अगले वीडियो में उसका सवाल भी दे दूंगा, जो आप बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा, कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा इसमें से। उसके बाद विवर्तन क्या होता है, और विवर्तन में जो केंद्रीय उच्छिष्ट होता है उसकी विड्थ यानी उसकी चौड़ाई कितनी होती है, और मिनिमा यानी जो निम्निष्ट बनता है उसकी पोजीशन का जनरल फॉर्मूला, और तीव्रता का दूरी यानी एंगल के साथ वेरिएशन, जो आपने ग्राफ दिखा होगा ऐसे ऐसे बना रहता है, तो वो जो ग्राफ है वो ग्राफ आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद दो तरंगों के अध्यारोपण से, यानी अब मैं बात कर रहा हूँ व्यतिकरण कि दो तरंगों के व्यतिकरण से परिणामी तीव्रता निकालना, यह आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन पढ़ के जाएंगे। उसके बाद हाइगेंस के प्रिंसिपल से परावर्तन और अपवर्तन का निगमन पढ़ के जाएंगे। उसके बाद अगर कोई तरंगाग्र किसी प्रिज्म से गुजरे या किसी लेंस से गुजरे या किसी दर्पण से गुजरे तो गुजरने के बाद उसकी आकृति क्या होती, कैसा होता है वो, ये टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का डायग्राम, आप बना लीजिए एक बार जरूर, क्योंकि एग्जाम में फिर बनता नहीं, क्योंकि इमेज की पोजीशन वैरी करने लगती है, कभी वो इन्फिनिटिव बोलेगा कभी बोलेगा डी दूरी पर, तो आप माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का एक बार डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इनकी आवर्धन क्षमता के सूत्र का निगमन कर लीजिएगा, इतना काम करिएगा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आपको ये बताना है कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता क्या होती है, इसको आप पढ़ के जाएंगे, इतना टॉपिक आप यहाँ से पढ़ के जाइएगा। अब देखिए इधर आते हैं और यहाँ लिखा है सबसे पहले सबसे नंबर एक पे है लेंस मेकर्स फार्मूला। देखिए लेंस मेकर्स फार्मूला और इसका सवाल कभी इग्नोर नहीं किया जाता, इस पर आपको एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा, लेंस मेकर फार्मूला क्या है और इस लेंस की फोकल लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर उसको किसी वायु से हटाकर जल में रख दें या जल से उठाकर वायु में रख दें, यानी माध्यम के परिवर्तन का प्रभाव। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज का डेरिवेशन, उसके बाद स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन और पावर ऑफ ए लेंस, ये ठीक है, ये इतना टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग कुछ टर्म पर, जैसे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या डूबता और उगता हुआ सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, फिर लेंस के सूत्र और मिरर के सूत्र का निगमन, जैसे लेंस का सूत्र है 1/V - 1/U = 1/F, तो ये आप हाई स्कूल में पढ़ा आपने, इसका निगमन आ गया, या ऐसे ही दर्पण के सूत्र का निगमन आ गया, तो इसके ऊपर आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको सीधे नंबर देंगे, अगर आपसे तीन चार हैं उसमें टॉपिक वो पढ़ लेंगे तो आप उसमें जो है एक लेसन है उसमें, जैसे आप देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे, अब आपको क्या करना है कैसे पढ़ना है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे आपको 3 नंबर देगी,
अब आपको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले आप गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट जितनी तरंगे हैं पहले उनका नाम याद कर लीजिए। तो 7 तरंगे हैं। अब आप उनको ऊर्जा के घटते हुए क्रम में देख लीजिए। जैसे आप गामा से रेडियो की ओर जाएंगे तो ऊर्जा घटेगी। अब ये जो ऊर्जा घट रही है, इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी है, सबसे कम ऊर्जा किसकी है और कितनी है? आपसे आपके एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि 8000 तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का नाम बताओ। तो अगर आपको याद नहीं है कि 8000 लाल रंग की होती है या 4000 बैंगनी रंग की होती है, तो वहाँ पे आप नाम नहीं लिख पाएंगे और आपका 1 नंबर का सवाल चला जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में या विद्युत चुम्बकीय तरंग में जाइएगा। पहले तो आप 7 तरंगों का तरंग दैर्ध्य याद कर लीजिएगा। तरंग दैर्ध्य आ जाएगी तो ई बराबर SC/λ से ऊर्जा भी आ जाएगी और न्यू बराबर C/λ से फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति भी आ जाएगी। उसके बाद सभी तरंगों का कहाँ उपयोग होता है, जैसे रेडियो वेव का यूज़ कहाँ होता है, माइक्रोवेव का आप जान रहे हैं, माइक्रो ओवन में यूज़ होता है वो, तो वो कहाँ यूज़ होता है और कैसे उसको प्रोड्यूस करते हैं ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे गामा रे का जो यूज़ करते हैं वो कैंसर के इलाज में करते हैं और ऐसी कई चीज़ें हैं, तो आप उसको सिंपली जाके पढ़ लीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेना है, आपका टॉपिक कवर होना चाहिए। ये ना हो कि आपने एक टॉपिक बहुत पढ़ा है और एक टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है, तब आपका नंबर खराब आएगा। चाहे आपने एक टॉपिक कितना भी अच्छा पढ़ा हो, उसमें से आप 2 या 3 या 4 जितने नंबर भी आते हैं उससे ज़्यादा नहीं पाने वाले। तो कोशिश इस वक्त ये कीजिए कि मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर हो जाएं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और हम लोग पढ़ रहे थे मैक्सवेल इक्वेशन, पढ़ लीजिएगा। इसी में है विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल इक्वेशन है 4, उसको पढ़ लीजिएगा। फिर AC जनरेटर। अब देखिए, आप लोग इंस्ट्रूमेंट को कभी इग्नोर मत कीजिएगा। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट जो आप सोचते हैं हमको मेरा पूरा नहीं तैयार हो पा रहा है, जैसे AC जनित्र है, AC जनरेटर, AC जनित्र, तो ये आप पूरा नहीं तैयार कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका डायग्राम याद कर लीजिए। डायग्राम याद नहीं कर पा रहे हैं, इसका आप सिद्धांत याद कर लीजिए। सिद्धांत याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कम से कम इतना पढ़ लीजिए, ये करता क्या है, AC जनरेटर क्या करता है, AC जनरेट करता है। तो ये बेसिक चीज़ें आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है इससे सिर्फ इतना ही आए और आप बिना मतलब इसकी वजह से टेंशन में थे। तो AC जनरेटर जरूर पढ़ के जाइएगा। ट्रांसफार्मर का क्या उपयोग है, कैसे इससे एक जगह से दूसरी जगह पर पावर सप्लाई भेजी जाती है या वोल्टेज भेजा जाता है या करंट भेजी जाती है, और कैसे ये एम्पलीफायर से अलग है, ये पढ़ के जाइएगा। तो ट्रांसफार्मर और AC जनरेटर और साइक्लोट्रॉन, ये 3 डिवाइस कभी इग्नोर मत कीजिएगा, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये 4 हैं, कम से कम 3 इसमें से जरूर पढ़ के जाइएगा। क्योंकि अगर R में भी आए तो आपको मिल जाए, तो ट्रांसफार्मर, AC जनरेटर, साइक्लोट्रॉन और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इसमें से कोई भी एक आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 3 कम से कम आपका तैयार होना चाहिए। उसके बाद व्हाट आर द यूजेस ऑफ लॉस ऑफ AD करेंट। देखो, लॉस ऑफ AD करेंट और इसका यूज़ क्या है, ये दोनों चीज़ पढ़ के जाइएगा। उसके बाद गतिमान चालक के सिरों पर प्रेरित विभवांतर, अगर कोई चालक चले तो उसके सिरों पर प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और वो कितना होता है ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद लॉरेंज फोर्स से ये सिद्ध करो कि गतिमान चालक के सिरों पर प्रेरित विभवांतर का मान BVL होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है स्वप्रेरण, किसी किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक या किसी कुंडली के अन्योन प्रेरण गुणांक के व्यंजक का निगमन करना। आपके पास ऑप्शन है, इसी दो में से कोई एक पढ़ लीजिए, और अगर आपके पास मैनेज कर सकते हैं टाइम तो दोनों पढ़ लीजिए, इसी दो में से आपको एक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्यू फैक्टर AC लेसन में आ रहे हैं। क्यू फैक्टर क्या होता है, यानी क्यू क्यू गुणांक क्या होता है, और उस किसी किसी LCR रिजोनेंस सर्किट की क्या होती है शार्पनेस, तीक्ष्णता क्या होती है। उसके बाद LCR रिजोनेटिंग सर्किट क्या होता है, इस पर एक सवाल जरूर आता है। पावर फैक्टर क्या होता है, चोक कॉइल क्या होती है, पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक, चोक कॉइल मतलब चोक कॉइल ही बोलते हैं उसको हिंदी में, ये क्या होती है, और एवरेज पावर लॉस के यानी औसत शक्ति क्षय के आपको फॉर्मूले का डेविएशन आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आगे चढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, एकदम सिंपल सा, कि अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है, यानी एक ऐसा परिपथ है जिसमें पूर्णतः कॉइल जुड़ी हुई है, तो उस कॉइल में आपका जो करंट होता है वो पीछे होता है वोल्टेज से π/2, ये सिद्ध करने के लिए आ सकता है, AC सर्किट की बात कर रहे हैं, और कैपेसिटर के लिए करंट आगे होती है π/2, ये भी आपके एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आ सकता है। उसके बाद अगला टर्म है कि देखिए, एक टर्म है हिस्टीरिसिस और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हिस्टीरिसिस यानी शैथिल्य हानि और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब चुंबकीय
किसी मटेरियल की चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर किसी मटेरियल की उसको प्रॉपर्टी को गेन करने का जो नेचर होता है उसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, जिसका सिंबल काई एम बनता है। तो म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम, इस फॉर्मूले पर आपको एक सवाल मिलेगा और अक्सर इसमें ये पूछा जाता है कि अगर कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है, यानी ऐसा मटेरियल जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उससे दूर हटता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, इनका काई एम का मान क्या होता है? निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ज़्यादा होता है, एक से कम होता है या ज़्यादा होता है, ये आपके एग्जाम में आता है। और एक आपका शैथिल्य हानि का कर्व बनता है, तो वो कर्व आपको पढ़ कर जाना है कि वो क्यों और क्या प्रदर्शित करता है। और इसमें दो टर्म है, एक है कोरसिटिविटी और एक है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब कितनी उसमें रेजिडुअल, मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड बची हुई है, और कोरसिटिविटी मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड और लगाएं जिससे वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये दो टर्म आप पढ़ के जाइएगा। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये टर्म आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद किसी क्वाइल का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ के जाना है। पैरा डाया फेरो यानी कि प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण पढ़ के जाना है। उसके बाद अगला है किसी पृथ्वी के जो भूचुंबकत्व के अवयव हैं, तीन हैं, थीटा, अल्फा और एच, ये पढ़ के जाना है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अर्थ और न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट मतलब उदासीन बिंदु क्या होते हैं, ये पढ़ के जाएंगे आप। उसके बाद जो अगला टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वो तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे बदलते हैं गैल्वेनोमीटर में, इस पे सवाल मिलेगा आपको, या कैसे बदलते हैं वोल्ट मीटर में, तो इनका कन्वर्जन आता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो एकदम सिंपल है, बायो सेवर्ट का नियम क्या है। उसके बाद सोलेनाइड की चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ द कॉइल कैसे निकालते हैं, यानी किसी कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं और उसके एग्जिट लाइन पे कैसे निकालते हैं। फिर किसी चालक के सिरों पर अगर कोई चालक है उसमें धारा बह रही है तो उस पर कितना बल लगता है, तो आप जान रहे हैं FIBL sin θ। तो इसका निगमन पढ़ के आप जाएंगे और लॉरेंज बल आप पढ़ के जाएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल और उस चुंबकीय बल के आधार पर आपको 1 एम्पियर की डिफिनेशन देनी है, मतलब 1 एम्पियर क्या होता है। उसके बाद किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक का पथ क्या होता है, फिर उसकी पथ की त्रिज्या क्या होती है और आवर्तकाल क्या होता है, यह पढ़ के जाएंगे। पिच इसमें एक टर्म आता है, वो क्या होता है। उसके बाद अगला है एम्पियर, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखो और इसकी सहायता से अनंत लंबाई के तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का निगमन करो। उसके बाद विभवमापी का संरचना और क्रियाविधि, मीटर ब्रिज की संरचना और क्रियाविधि, लेकिन मैं आपको उससे भी ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि आप विभवमापी का कम से कम 3-4 सवाल लगा के जरूर जाइएगा, क्योंकि विभवमापी की सहायता से किसी सेल का विभवांतर और विद्युत वाहक बल दोनों निकालते हैं और आंतरिक प्रतिरोध भी निकालते हैं। तो इस पर अक्सर सवाल ही आता है, कंस्ट्रक्शन आएगा तो आप लिख लेंगे, उसमें बहुत कठिन कोई चीज़ है नहीं, न्यूमेरिकल में आप अटक सकते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल लगा के जाइएगा। और किसी किसी सेल का टर्मिनल विभवांतर V बराबर E-IR, इस पर ग्राफ बना लीजिएगा इसका। ठीक है, फिर उसके बाद आवेशों का पुनर्वितरण और इसमें ऊष्मा हानि, ये एक टॉपिक है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। किसी तार को अगर खींच दें तो उसके प्रतिरोध में कैसे परिवर्तन होता है, ये आप पढ़ के जाएंगे। धारा और अनुगमन वेग में संबंध, कलर कोड। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक बहुत फेवरेट टॉपिक हो गया है, पिछले 2-3 साल से कई बार ये रिपीट कर रहा है। इक्विपोटेंशियल मतलब समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं में आपस में कैसा रिलेशन होता है, इसे आप पढ़ के जाएंगे। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर विभवांतर और विद्युत क्षेत्र, इसमें से एक चीज आपको जरूर मिलेगा, इसको जरूर देख लीजिएगा। टॉर्क बराबर P sin θ मतलब अगर द्विध्रुव को रखा जाए किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है, उसका मान टाउ बराबर P sin θ होता है, और यहाँ से द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दी जाती है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद गॉस की प्रमेय क्या होती है और इसकी सहायता से, अब देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है और इसकी सहायता से ज्ञात करना, क्या अनंत लंबाई के तार की चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी विद्युत क्षेत्र
अनंत लंबाई का तार, उसका विद्युत क्षेत्र, या चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, या चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है सिद्ध करो, या एक बहुत अनंत आकार की एक सीट है उसकी वजह से, या चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। इतना ही है। अब आप इसमें से कोई दो पढ़ के जाओ, या अगर आपके पास टाइम हो तो आप चारों पढ़ लो। कोई दो पढ़ के जाओगे तो आप सेफ हो, इसी में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला है ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। ई विद्युत क्षेत्र बराबर माइनस डी वी विभवांतर में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी विभव प्रवणता के फॉर्म में। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग क्या होता है, और किसी प्रतिरोध का ताप पर कैसे निर्भरता होती है चालक के लिए, यानी आर टी बराबर आर जीरो वन प्लस अल्फा टी। इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डायपोल की क्या होती है, इसको एक बार देख लीजिएगा। साइक्लोट्रॉन मैं आपको बता ही दिया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक कैपेसिटर उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन। और उसके बाद स्वप्रेरण गुणांक ई एल डी आई बाई डी टी में रिलेशन, ऐसे अन्योन प्रेरण के लिए रिलेशन, और सीरीज और पैरेलल का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का, उसका एक बार आप निगमन जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद एक देखिए ओम का जो नियम है, ओम के नियम का निगमन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके निगमन के दौरान, निगमन तो कम आता है लेकिन उसके निगमन में जो टर्म आते हैं रास्ते में उस पर न्यूमेरिकल आता है, तो उस निगमन को देख लीजिएगा। फिर मैक्सिमम पावर थ्योरम, यानी अधिकतम शक्ति कैसे मिलती है किसी परिपथ में, उसका एक सवाल देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक इसमें रिलेशन है कि अगर हम लोग किसी प्रिज्म को उसका अपवर्तनांक निकालें, तो एन किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक एन का फॉर्मूला ए और डेल्टा एम के पदों में, यानी प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के पदों में, एन बराबर साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। इसको देख लीजिएगा। और टॉर बराबर एन आई ए बी सी एन आई ए बी साइन थीटा, मतलब अगर किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर एक वॉल्यूम का आघूर्ण लगता है, और इसी आधार पर आपका बेस्ड है क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। इसको आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और डिस्पर्जिव पावर यानी विक्षेपण क्षमता ये क्या होती है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके इतने टॉपिक हुए। अब कुछ टॉपिक, दो तीन टॉपिक और हैं, उनको देख लीजिए। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या है, और इस आधार पर सिद्ध करो कि प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे, अगर सेल दो तीन सेल जोड़ दी जाए, तो फैराडे के नियम से कैसे आप किसी परिपथ में धारा निकालेंगे, यानी सिंपल बोले तो फैराडे का जो द्वितीय नियम है, सेकेंड लॉ, जिसमें तीन चार रेजिस्टेंस और सेल जोड़ देते हैं, तो उस पर आपसे सवाल पूछ सकता है। और खासकर उस पर जब ब्रिज बैलेंस ना हो, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित ना हो उस वक्त। और एक आपके यहाँ टोराइड एक टॉपिक है, तो टोराइड का आपके यहाँ डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। ये टोराइड क्या होता है, इसका चित्र बनाएं। और यहाँ पर एक है लेंज का नियम, लेंज का नियम आप जानते हैं, प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वो प्रोड्यूस होती है। तो ये लेंज का नियम आप वेक्टर फॉर्म में पढ़ लीजिएगा। और खासकर कुलाम के नियम भी एक बार वेक्टर फॉर्म में पढ़ लीजिएगा। कुलाम के नियम यानी पहले लेसन में अगर आपसे बोले तो आप क्या पढ़ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, और लेंज के नियम, अरे फैराडे, इसका कुलाम के नियम पर आप कैसे कम से कम चार पांच न्यूमेरिकल जरूर लगा लीजिएगा, स्थायी और अस्थायी अवस्था क्या होती है किसी चालक की, इक्विलिब्रियम की, इस पर दो तीन सवाल जरूर लगा लीजिएगा। मतलब कोशिश से कीजिएगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। अगर मैं बोलूँ कि हर चीज़ का आप डेरिवेशन पढ़ के जाएँ और आप एक्सपेक्ट करें कि भाई आपको मिलेगा, तो ऐसा होने वाला है नहीं। आपको अब पेपर साइंटिफिक ज़्यादा बना दिया गया है, मतलब साइंटिफिक जहाँ बोलने का मतलब ये है कि बच्चा बहुत रट के आया है, तो हर चीज़ लिखने की कोशिश करेगा रट कर, तो वो अटकेगा। अब पेपर ऐसा बनने वाला है जिसमें आपको हर टॉपिक से वो निचोड़ पूछेगा, यानी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिंपल पूछेगा, जैसे आपसे पूछ लिया चल कुंडल धारा मापी क्या होता है, फिर साइक्लोट्रॉन में सीधे नहीं पूछेगा साइक्लोट्रॉन क्या होता है। अब वो साइक्लोट्रॉन को एक सवाल दे देगा कि साइक्लोट्रॉन के अंदर एक आवेश गति कर रहा है, और वो जब उससे निकलता है तो उसकी गतिज ऊर्जा इतनी है, और वो कण अगर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या कुछ भी था, तो वो इतने चक्कर लगाने के बाद कितनी रेडियस से निकल रहा होगा बाहर,
तो इस तरह से आपको कई सवाल मिल सकते हैं। तो कोशिश से कीजिए कि मैक्सिमम टॉपिक कवर कीजिए, घबराइए मत, और हो सके जितना हो सके रिवाइज कीजिए, जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट। मैं आपको अभी और न्यूमेरिकल वाला पार्ट अपलोड कर दे रहा हूँ, जिसमें न्यूमेरिकल होंगे और वो न्यूमेरिकल कम ही होंगे, मुश्किल से 10-20। वो न्यूमेरिकल अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।